अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरी से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी खैरी से हूँ। आज आपके लिए इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ, इंटरेस्टिंग पिक्चर्स मिलेंगी आपको, ब्यूटीफुल पिक्चर्स। सब जानते हैं कि नीलम मणिर बहुत फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, तो उनकी जो है बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स शेयर की हैं। मोस्टली आपको ड्रामास में, मूवीज़ में देखने को मिल रही होंगी। इनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, मॉडलिंग बहुत कमाल की करती हैं, और माशाल्लाह से नेचुरल ब्यूटी है। इनका कलर भी फेयर है और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। हर तरह के ड्रेस में, हर तरह की डिज़ाइनिंग, हर तरह के मेकअप में, हर तरह की ज्वेलरी में, बेशक इन्होंने कैजुअल ड्रेस पहने हों, फैंसी या किसी भी तरह के ड्रेस में, बहुत अच्छी लगती है। इनका मेकअप बहुत कमाल का होता है, बेशक लाइट करती हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। हर तरह की स्टाइल में इनका अंदाज़ चेक करें, बहुत अच्छी लगती हैं। और ज़्यादातर ये मासूमियत और ज़्यादा आपको कहीं ड्रामों में इनकी होशियारी नज़र आती होगी। और जैसे ड्रामे आप पसंद करती होंगी तो मोस्टली उनको आप, इनके फैंस भी होंगे। जो व्यूअर्स इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं, नीलम मणि खान को, पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस, कोई ऐसा नहीं होगा जो नीलम मणि को ना जानता हो। तो नीलम मणि जो है वो फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, जो कि मूवीज़ में काम करना शुरू कर दिया और इतनी मूवीज़ इनकी रिलीज़ हो चुकी है। सारी मूवीज़ में इन्होंने बहुत अच्छा जो है रोल प्ले किया है, और ड्रामास में तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। और जब रोने की बात हो तो रोने में भी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है इनकी। जो रिदा वाला ड्रामा था मोस्टली उनमें मुझे बहुत अच्छी लगी थी इनकी एक्टिंग, बहुत मासूमियत ज़ाहिर की थी इसमें। इनके आप ड्रेसेस देख सकती हैं, आप इनकी तरह के ड्रेस वेयर कर सकती हैं, इनकी तरह का मेकअप करवा सकती हैं, इनका हेयर स्टाइल, या आपने इस तरह के जो है कलर डाई करवाने हो, या इनका स्टाइल इनका सेम कॉपी करनी हो, तो यहाँ से कर सकती हैं। मोस्टली व्यूअर्स गर्ल्स जो हैं एक्ट्रेस को फॉलो करती हैं, कॉपी करती हैं, उनकी उनके ड्रेसेस उनके जैसे सेम बनवाती हैं। तो मैं इनके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो। जो हम याद करें, अल्लाह हाफिज़।